नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे एकदम क्लियर हो गए हैं, साफ हो गए हैं, यानी काउंटिंग जारी है। लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार तय है। अगले आधे घंटे दोनों राज्यों की 90+90 यानी इन्हें आप जोड़ेंगे तो ये 180 सीटें होंगी और 180 सीटों का 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन स्पेशल शो जनादेश की रेल। एग्जिट पोल जो है वो पूरी तरह से हो गया फेल, ये साफ तौर पर आपके सामने नजर आ रहा है। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जेएस नैन जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत अच्छे से राजनीति को जानते और समझते हैं, और हमारे साथ मोहित कंधारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो जम्मू कश्मीर से जुड़ेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल हरियाणा में हैट्रिक है भारतीय जनता पार्टी की, लगातार तीसरी बार चुनाव यहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत पा रही है। और इधर उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, फारूक अब्दुल्ला ने इस बात का ऐलान कर दिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती अभी भी जारी है लेकिन स्थिति क्लियर हो गई, जैसा कि मैंने ओपनिंग में ही कहा कि स्थिति क्लियर है, कौन हरियाणा में जीत रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है। कुल आंकड़ा जो है वो 46 का होना चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर ओवरऑल अभी देखें तो हमारी टैली जो बता रही है 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इसमें से आगे है, यानी 7 पर वो जीत चुके हैं और 43 पर वो आगे चल रहे हैं। और अगर बात यहां पर कांग्रेस की जाए तो 21 पर कांग्रेस आगे है और 13 सीटों पर वो जीत चुकी, यानी अगर इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगी 34। और अब जम्मू कश्मीर आ जाते हैं जो दूसरी तरफ मेरी टैली आप देख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर 5 सीटों पर आगे है और 36 सीटें जीत चुकी है, यानी उसके खाते में कुल सीटें 41 हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें पर आगे है और 26 सीटें जीत चुकी है, यानी ओवरऑल बीजेपी के पास जो आंकड़ा है वो 29 का है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। पीडीपी बहुत पीछे, केवल 4, और कांग्रेस 5 पर वो आगे है और 1 जीत चुकी है, 6, और अन्य के खाते में भी 5 सीटें ही आई हैं, यानी इसमें 5 पे आगे और 5 जीते, यानी कुल इसमें 10 अन्य के खाते में अभी आ रही है। तो ये साफ तौर पर देख रहे हैं जश्न का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जश्न मना रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, ये अथक मेहनत है, एक दिन की जीत नहीं। हरियाणा में जिस तरह का माहौल था उससे तो यही लग रहा था कि कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई इस बात को लेकर है कि कांग्रेस की तरफ से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लड़ाई इसी बात की समझ में आ रही थी। लेकिन पहलवानों में एक दांव होता है, आप जानते हैं चूंकि हरियाणा पहलवानों के लिए बड़ा फेमस है, चरखा दांव, लगता है भारतीय जनता पार्टी ने वही दांव यहां पर चला है। तो हमारे साथ जैसा कि मैंने परिचय कराया था, जेएस नैन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है जेएस नैन जी आपका IBC 24 पर। सर, मैं आपसे जानना और समझना चाहता हूं कि कल तक जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे थे कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है और वहां पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि कांग्रेस की बीजेपी से तो लड़ाई ही नहीं है, कांग्रेस की कांग्रेस से लड़ाई है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये अचानक से पलट कैसे गया? चूंकि आप तो ग्राउंड पर हैं, चीजों को समझ रहे हैं, क्या क्या रीजन रहे हैं, क्या क्या फैक्टर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ गई है? पहली बात तो ये है कि जो एग्जिट पोल थे जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में वो फेल हुए थे तो यहां पर भी वो पूरी की पूरी तरह से फेल हो गए। बिल्कुल, क्योंकि सभी एग्जिट पोल ने ये दिखाया था कि कांग्रेस जो है ना वो बहुत अच्छी मेजोरिटी से 55 और 60 के बीच में सीटें लेकर जीतेगी, परंतु हुआ उसके उलट। अब बीजेपी जो है ना वो 51 पे है और कांग्रेस 34 पे है। तो ये सारा क्यों हुआ, इसके लिए हालांकि यहाँ का माहौल ऐसा था जिससे भी पूछते थे सभी ये कहते थे हरियाणा में कि कांग्रेस आ रही है और सभी में जोश है चीज का कि कांग्रेस आएगी, कोई भी बीजेपी के बारे में कहने के लिए तैयार नहीं है। परंतु नतीजों को देखकर ऐसा लगा कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके कई कारण हैं। पहला कारण इसका ये है कि शैलजा जी कई दिन जो है ना वो प्रचार में नहीं आई,
सबसे पहले वो नाराज थी कि उसके लोगों को टिकट कम मिला, उसके बाद वो प्रचार में नहीं आई, और जब वो प्रचार में नहीं गई तो उससे गलत मैसेज गया, और जो एससी वोट्स थे उन्होंने सोचा कि शैलजा नहीं आ रही है, इसलिए वो जो है ना वो हेजिटेट करने लगे कि हम अब कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। बाद में हालांकि राहुल गांधी ने हुड्डा साहब को और शैलजा जी को दोनों को नारायणगढ़ में बुलाया, वहां पर एक रैली की और दोनों का हाथ मिलाया, परंतु उसके बावजूद भी, क्योंकि लोग आजकल वो नहीं है, एक रिक्शा वाला भी समझता है, एक आम आदमी लेबर भी समझता है कि आज की राजनीति क्या है, वो पहले होता था लोग ध्यान नहीं देते थे, आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। इसलिए ये जो था कि शैलजा जी बार बार ये स्टेटमेंट देती रही कि मैं भी सीएम की नैन साहब, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मनोहर लाल क्या कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, एन वक्त पे इनको मुख्यमंत्री से हटाया गया था, और वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं जरा। एक मुद्दा बनाया था पहलवान किसान और जवान, ये मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में उतरी थी, आप क्या लगता है ये मुद्दा उनका चला नहीं? नहीं, मुद्दा तो यही था, मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है, और ये चीज़ लोगों को पता है। वो लोग किसी भी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात वो पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है, इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो चीज़ जनता ने महसूस की कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है, और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है, और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूँ। सर, सारे चुनाव पूर्वानुमानों को धत्ता बताते हुए ये बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे? पूर्वानुमान जो लगाते हैं ये उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि किस आधार पर कैसे पूर्वानुमान करते हैं। पूर्वानुमान जो है वो जनता अपने मन की बात सबको बताती भी नहीं है, और जिस प्रकार के पूर्वानुमान हैं बहुत बार पहले भी फेल हुए हैं, इस बार भी फेल हुए हैं, और थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को जो भी करते हैं पूर्वानुमान उनको करना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस कहाँ फेल हो गई? ये तो कांग्रेस वाले से पूछना पड़ेगा आपको। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि स्लो काउंटिंग किया जा रहा है, कई चुनाव आयोग नतीजों को रोक रहा है, नतीजों को लेकर ये तो कभी कभी हमको भी लगता है कि कांग्रेस वाले जो भारत देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इस चीज में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब, और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब। सर, आपने जब वोटिंग के दिन से बात करी थी, सब बिरादरी उनके साथ है, क्या 36 बिरादरी ने कांग्रेस का साथ नहीं? मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे से कांग्रेस की बात क्यों पूछे, आप उनसे पूछिए। मुझे पता है कि हमने हरियाणा में जब 2014 में चुनाव लड़ा था, मैंने स्वयं लाल से एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो इसलिए हरियाणा के सब लोगों। तो जब मनोहर लाल से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा किसान, जवान, पहलवान, यही मुद्दा था, उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। तो जेएस नैन साहब, पहली बात आपने बताई कुमारी शैलजा, ये एक अहम फैक्टर रहा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया, और वो प्रचार में शुरुआती दिनों में नहीं गई और दलित वोटर उठे, क्या एक वजह इसकी ये भी मैं मानी जाए इस जीत में भारतीय जनता पार्टी के, कि जो उन्होंने चुनाव के चंद महीने पहले मुख्यमंत्री का फेस बदल दिया? ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि मनोहर लाल जी से लोग खुश नहीं थे, वो 9.5 साल यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, और उस समय कई मुद्दे हुए। एक जो मुद्दा था वो था एमएसपी का, किसान सारे के सारे नाराज थे एमएसपी की वजह से, एमएसपी नहीं गई, इसकी वजह से किसान जो बंद थे, और आज भी अम्बाड़ा में जो बॉर्डर पंजाब का है वो बंद है, और अम्बाड़ा के लोग उससे बड़े दुखी हैं कि वो बॉर्डर बंद है, तो किसानों का मुद्दा था। इसके साथ साथ हरियाणा में फैमिली आईडी शुरू की गई है, वो उसमें जिसकी फैमिली आईडी में इनकम थोड़ी ज्यादा हो जाती है उसकी पेंशन कट जाती है और उसकी दूसरी सुविधाएं कट जाती है, उससे फैमिली आईडी से लोग बड़े दुखी थे। इसके साथ साथ एक एनडीसी है, वहां पर एनडीसी ये होती है कि जो ये कारपोरेशन है या कमेटीज है नगर पालिका है, वहां पर अगर आपने जमीन को बेचना है या खरीदना है तो आपको वहां से एनडीसी लेनी पड़ेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट, और जब तक वहां से नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप जमीन को बेच खरीद नहीं सकते। उसमें बड़ी धांधली थी, बहुत पैसा चलता था, उससे लोग दुखी थे। इसके साथ साथ किसानों के पोर्टल थे, किसान पोर्टल पे अपनी जमीन बेच सकते थे और उनको पोर्टल कराना पड़ता था, इससे भी दुखी थे।
इसके साथ साथ करप्शन बहुत जोरों पर थी, लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी है कि बेहद यहाँ के लोग जो है ना विदेश में चले गए, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूएसए में यहाँ के लोग चले गए और अपनी जमीनें बेच के चले गए क्योंकि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है और कीमतें बढ़ रही हैं जैसा कि सभी को मालूम है। तो ये चीजें थी, ये मेन थे। और एक सेंटर का जो मामला था वो था अग्निवीर का, क्योंकि हरियाणा के लोग ज्यादा जो है ना वो सेना में जाते हैं और इन्होंने वो कर दिया कि अग्निवीर 4 साल के लिए होगी, 4 साल के बाद वो आएंगे तो फिर वो अनएम्प्लॉयड होंगे। ये भी एक मुद्दा आमतौर पर था, हालांकि बीजेपी ने इसको कवर करने की कोशिश की गई है। और खिलाड़ियों का मुद्दा, किस तरीके से खिलाड़ियों को, क्योंकि हरियाणा के लोग खिलाड़ी बहुत ज्यादा हैं। नैन साहब, एक मुद्दा ये भी प्रमुख तौर पर था, जो मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने, फेस उन्होंने चंद महीने चुनाव के पहले बदला, ये आप बिल्कुल ठीक करें। आपने दो कारण बताए हैं, एक कुमारी शैलजा का कार्ड और दूसरा आपने अभी ये बताया है कि एन वक्त पे मुख्यमंत्री का फेस बदल दिया। मोहित कंधारी जी भी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं कश्मीर से। मोहित कंधारी जी, जो रिजल्ट जम्मू कश्मीर का देख रहा हूं, आपके सामने भी स्क्रीन पर है, तो उससे तो यही समझ में आ रहा है कि यहां पर मुद्दे हों या वोटिंग, वो पॉकेट्स में हुई है। यानी जम्मू में मुद्दे और चले, कश्मीर में कुछ और मुद्दे चले, ये साफ तौर पर तो यही दिख रहा है। आपका क्या मानना है, चूंकि आप ग्राउंड पर लगातार रहे, पूरे चुनाव को आपने देखा, तीनों फेस के चुनाव को देखा, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले सर, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ, मैं घाटी में नहीं हूँ इस समय, आई एम बेस्ड इन जम्मू जी। तो आपने जैसा बोला बिल्कुल ठीक, जो मुद्दे थे वो घाटी का मुद्दा ये था कि धारा 370 को जब हटाया गया, उससे जो बड़ी संख्या में जो वहाँ की आम जनता बोलिए या वहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज जो हैं, उन्होंने यही कंपेन किया कि हमारे साथ स्पेशल स्टेटस जो हमें दिया गया उसे छीना गया बिना हमारी रजामंदी के। तो जो ये रेफरेंडम उन्होंने इसको मनाया है, और उन्होंने इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप देखिए 1996 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है। इससे पहले मैक्सिमम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ और सिर्फ 28 सीटें जीती और उससे वो लगातार उनका आंकड़ा कम हो रहा था। कभी उन्होंने 15 सीटें जीती, फिर उन्होंने बीच में 22 सीटें जीती। तो पहली दफा हुआ 30 का बैरियर और 40 का बैरियर उन्होंने एक साथ हटाया, क्योंकि उन्होंने एक ही पॉइंट पे जनता के बीच जाके वोट मांगे कि जो हमारे साथ जो धारा 370 हटाई गई, स्पेशल स्टेटस हमारा छीना गया, उसके खिलाफ जो है उन्होंने ये फैसला कश्मीर की आवाम से जो है उनसे वोट मांगा, और उन्होंने भाजपा के इस सरकार के फैसले के खिलाफ वोटिंग की। और जम्मू में सर, भाजपा ने जो है डेवलपमेंट के एजेंडे पे और प्रदेश को पहला डोगरा सीएम बनाने के वादे को लेकर उन्होंने वोट मांगा, और आप देख रहे हैं कि जम्मू संभाग से जो है 29 सीट्स जो है भाजपा ने जो है वो जीतियां या लीड बनाई हुई है टोटल कुल मिला के 29 सीटों पे। और यही आंकड़ा भाजपा का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, सो उस समय भी उन्होंने 29 असेंबली सेगमेंट्स में बढ़त बनाई थी, सो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो स्टैग्नेंट है। और 2014 में भी आपको याद है 25 सीटों पे ही भाजपा अपनी जीत हासिल कर पाई थी। सो 30 का बैरियर जिस पार्टी ने क्रॉस किया वो उसको वो प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्रॉस किया, मुद्दा क्या था, वहाँ उन्होंने रेफरेंडम मांगा धारा 370 के खिलाफ, और यहाँ सरकार वो कहती थी कि हम स्टेबल गवर्नमेंट देंगे, हम डबल इंजन की सरकार देंगे, हमने इतनी तरक्की की है, हमने सुरक्षा के हालात सुधारे हैं, हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है, हमने रोड नेटवर्क इम्प्रूव किया है, परंतु लगता नहीं कि घाटी के जो वोटर्स थे उनको उनको उनके मुकाबले की, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सीट्स भी जम्मू संभाग में कम है, जैसे वहाँ पर 47 सीट्स हैं और जम्मू में 43 सीट्स हैं, उसमें भी जम्मू डिवीजन में आपका डोडा राजौरी पूंछ जो रीजन है वहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर भी जो वर्टिकल डिवीजन हुआ है वोटर्स में, जैसे वहाँ इन्होंने पहाड़ी समाज को जो है शेड्यूल ट्राइब्स को जो टिकट दिए वो ऑलमोस्ट एक सीट कांग्रेस ने जीती है, बाकी सब सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो रिजर्वेशन भाजपा ने पहाड़ी समुदाय को दी उसके खिलाफ गुज्जर समुदाय ने जो है बड़ी संख्या में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और उनके उम्मीदवार वहाँ से चुनाव जीते हैं। यानी आपने ये कहा कि 370 के खिलाफ रोष, और दूसरी बात आपने कही है कि धर्म के आधार पर जो वोटिंग हुई है आप ये कह रहे हैं। अच्छा मोहित कंधारी जी, बीजेपी का भी दांव तो चला है जम्मू में, जो उन्होंने लगातार बातें की पा रहे हैं। हाँ, हम जो माइक्रो पिक्चर देख पा रहे हैं उसमें
520 के मार्जिन से किश्तवाड़ की सीट जीती है शगुन परिहार ने। शगुन परिहार उनकी बेटी हैं जिनके पिता और चाचा की निर्मम हत्या की गई थी 2018 में। क्योंकि वहां पर दोनों समाज का जो है पॉपुलेशन का जो इंडेक्स है वो सेम ऑलमोस्ट सेम 50% 55% 47% ऐसे उनका रेशियो है पॉपुलेशन का, और वहां पर 80% से ज्यादा पोलिंग हुई थी। वहाँ 520 के मत से जीतना, मतलब बढ़त लेके जीतना, वो यही दर्शाता है कि वहाँ कोई और मुद्दा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पे दोनों। पीडीपी का वहाँ पर 1000 वोट भी नहीं उसके कैंडिडेट को मिला, उसका मतलब है कि पीडीपी का वोट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को ट्रांसफर हुआ। अदरवाइज पीडीपी वहाँ से 7000-8000 की उनकी जो है एक साइज है वो वोटिंग उनके हक में होती थी, परंतु अगर आप आंकड़ा देखेंगे 1000 से कम वोट पड़े हैं पीडीपी के उम्मीदवार को। तो ये क्या दर्शाता है कि समुदाय विशेष ने जो है उसके हक में वोटिंग की है कैंडिडेट की, जिनको लगता है वो भाजपा को हराने में साबित हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं संगठन ने भी पूरा जोर लगाया और कुल तब जाकर जो है 520 के आंकड़े से जो है वो वहां पर सीट जीत पाए। और यही पीडीपी इसीलिए कमजोर हुई, आपने ये बताया कि भाजपा को हराना है या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताना, यही मुद्दा था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, उनकी एक बात सुन लेते हैं, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जी दस साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किल दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे, यानी उमर अब्दुल्ला सीएम बनेंगे। उन्होंने इस बात का अनाउंस कर दिया है, आपके सामने ही कहा, और उन्होंने कहा है कि जितना बड़ा मैंडेट मिला है उस पे खरे उतरे। मोहित कंधारी जी, जो पीडीपी का इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है, आप देखिए इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन अभी आप देखिए तो निर्दलीय से भी वो नीचे हैं, इसकी क्या वजह आप? तो कुल मिला के वो कंधे से कंधा मिला के एक के साथ चल रहे हैं वो। अगर पीडीपी को 4 कैंडिडेट उनके जीत रहे हैं तो अन्य दल भी सिर्फ 6 सीटों पे ही उन्होंने अपनी कामयाबी दर्ज की है। तो कुल मिला के ये है कि वही इम्प्रेशन कि जो भाजपा के साथ अलाइन होगा उसको वेलकम नहीं किया जाएगा, और कहीं ना कहीं वो जो टैग लगा था पीडीपी पे ऊपर कि इन्होंने भाजपा को जो है कश्मीर घाटी में इनकी एंट्री हुई, तो कहीं ना कहीं उनको भी पनिश किया गया। और महबूबा मुफ्ती ने खुद अभी कुछ देर पहले कश्मीर में प्रेस वार्ता की थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो जनता का जो ये फैसला है सर आंखों पे है, हमें जनता का फैसला कबूल है, और हार जीत जो है वो चुनावों में होती है। वो इनफैक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब कम सीटें आई थी उसका भी उन्होंने हवाला दिया कि एक समय वो भी था कि उनको भी मैंडेट नहीं मिला था और अब इतने लंबे समय के बाद उनको भी मैंडेट मिला है, तो इस समय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में लोगों ने सीधा मत देकर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाई है, कम से कम हंग वर्डिक्ट नहीं है, क्लियर मैंडेट दिया है स्टेबल गवर्नमेंट के लिए। तो कुछ इसी ढंग से आप देखें कि पीडीपी ने जहां कहीं कोशिश की जम्मू में भी कैंडिडेट उतारने की और कश्मीर में भी, परंतु कंपेन उस ढंग से, सिवाय उनकी बेटी जो इल्तिजा मुफ्ती है उन्होंने जो है मेहनत की, और पुलवामा में आपने देखा वहीदुर रहमान परा जो जीत चुके हैं पुलवामा से, इन 4-5 चेहरों के दम पर वो कंपेन कर रहे थे। उसके अलावा उनके पास ऐसा नेतृत्व नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी में जा चुके थे, कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर चुके थे, कुछ लोग एज इंडिपेंडेंट भी लड़े क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया। तो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से उनकी ये परफॉर्मेंस जो है वो आप देखने को मिल रही है। संगठन लोगों का विश्वास नहीं जीत पाई पीडीपी, उन्होंने लगा नहीं कि संगठन भी, संगठन की मजबूती भी उतनी नहीं थी। आपको मानना पड़ेगा जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो एक पार्टी चलाने का जो एक उनका स्टाइल था या नेतृत्व की जो उनकी एक पहचान थी, कहीं ना कहीं उसको भी पीडीपी महसूस कर रही होगी कि उनकी कमी उनके लिए खली। मोहित जी आपने एक बात और कही कि संगठन कमजोर था पीडीपी का, संगठन कमजोर था, ये बात आपने कही है। अच्छा नयन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप हरियाणा के अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस भी चला है यहां पर, जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था वो भी भारी पड़ा है उनको? ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोटर था वो बोलता था, वो ये बोलता था कि हमारी सरकार आ रही है, और बीजेपी का जो वोटर था वो साइलेंट था, और कांग्रेस को कॉन्फिडेंस था। मैं तो ये कहूंगा कि और कॉन्फिडेंस था कि हमारी 55 से 60 सीटें आएंगी और शायद इससे ज्यादा भी सीटें आ जाएं,
तो ये भी एक कारण था कि इनको ये था कि हम तो जीतेंगे ही। हाँ। परंतु कांग्रेस का अपना कोई कैडर नहीं है हरियाणा में, बीजेपी का कैडर है, उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनके सब प्रेसिडेंट हैं, परंतु इनका कुछ भी नहीं है। इनका सिर्फ एक प्रेसिडेंट है, वो जो मेन प्रेसिडेंट है हरियाणा का। ठीक है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस भी एक अहम मुद्दा है। आप दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, उसके विश्लेषण से अवगत कराया। आप दोनों का बहुत धन्यवाद।